हम ये कहना चाहेंगे लड़ाई जो है ना विचारधारा की है। हमारे प्रधानमंत्री जो है ना देश से बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि नमो बुद्धाय, बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन आप बताएं कि जब बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध की विचारधारा को जानने वाले लोग अगर बुद्ध मंदिर में नहीं होंगे, बुद्ध स्थल पे नहीं होंगे, तो बुद्ध का विचारधारा कैसे फैलेगा। ये 1949 के तहत महाबोधि महाविहार को लिया गया, जिसमें एक संगठन बना BTMC। BTMC का फुल फॉर्म होता है बी से बुद्ध गया, टी से टेम्पल, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, एम से मैनेजमेंट, सी से कमेटी, यानी बौद्धों का कोई मंदिर नहीं होता है, हिंदुओं का मंदिर होता है, उसमें ब्राह्मण कब्जा करता है, हिंदू लोग कब्जा देखरेख नहीं करते हैं, हिंदू ही करे, मस्जिद का कब्जा देखरेख कौन करता है, मुसलमान करता है, चर्च का देखरेख कौन करता है, ईसाई लोग करते हैं, तो बुद्ध विहार का देखरेख कौन करना चाहिए। इसी बीटी एक्ट ये खत्म होना चाहिए, जो BTMC जो संगठन है वो हम लोग खत्म कर देंगे, जब BT Act खत्म हो जाएगा तो संविधान के तहत ये नियम लागू होना चाहिए। मैं इस समय पटना में हूं और महाबोधि मंदिर में 1949 का एक एक्ट बना है, उसके हिसाब से चार बुद्धिस्ट हैं और चार जो हैं वो सवर्ण समाज के लोग वहां रूल करते हैं। बुद्धिस्टों की मांग है कि वहां बौद्धों को ही रखा जाए, क्योंकि अमूमन जब मस्जिद में मुस्लिम हैं, मंदिरों में ब्राह्मण समाज के लोग हैं और चर्च में ईसाई हैं, तो बौद्ध विहार में आखिर गैर बौद्धिस्ट क्यों। ये बड़ा मांग है और इसी को लेकर एक प्रदर्शन चल रहा है, आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, कुछ भंते जी से बात कराता हूँ। भंते जी है मेरे साथ, क्या डिमांड है आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं बिहार के धरती पर नेशनल दस्तक के शंभू जी, आपको दिन दुना रात चौगुना, आप लोग आगे बढ़िए और बहुजन महापुरुषों के बीच अभी विरासत को बचाने का काम किए, इस तरह का बहुजनों का बात समाज के अंदर जाना चाहिए। मेरा मांग ये है, मैं भंते विमल कीर्ति नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल का ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फॉरम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का बिहार का एक सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा मांग ये है, मैं बिहार के धरती से ये बोलना चाह रहा हूँ, जिसमें महाबोधि महाविहार जो हमारे भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, 50 के पहले जो कुछ नियम लागू हुए उस नियम का नाम है अधिनियम 1949। ये 1949 के तहत महाबोधि महाविहार को लिया गया, जिसमें एक संगठन बना BTMC। BTMC का फुल फॉर्म होता है बी से बुद्ध गया, टी से टेम्पल, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर, एम से मैनेजमेंट, सी से कमेटी, यानी बौद्धों का कोई मंदिर नहीं होता है, हिंदुओं का मंदिर होता है, उसमें ब्राह्मण कब्जा करता है, हिंदू लोग कब्जा देखरेख नहीं करते हैं, हिंदू ही करे, मस्जिद का कब्जा देखरेख कौन करता है, मुसलमान करता है, चर्च का देखरेख कौन करता है, ईसाई लोग करते हैं, तो बुद्ध विहार का देखरेख कौन करना चाहिए। इसी बीटी एक्ट ये खत्म होना चाहिए, जो BTMC जो संगठन है वो हम लोग खत्म कर देंगे, जब BT Act खत्म हो जाए तो संविधान के तहत ये नियम लागू होना चाहिए और बौद्धों का अधिकार मिलना चाहिए। ये टेलर के तहत हम लोग लाखों के भीड़ में अशोका मोह गांधी मैदान, अशोका मैदान में हम लोगों ने इकट्ठा हुआ पूरे भारत के ऑल बौद्धिस्ट एक मंच के एक खंभे के नीचे आए हैं। हम आने वाले नीतीश कुमार जी हो या भारत सरकार हो, बिहार सरकार, हम आपसे मांग करते हैं, अगर महाबोधि महाविहार अगर शांति से 15 दिन के हम लोग और 1 महीना के अंदर में आपको, हम आपको कहते हैं, अगर अपना मांग बौद्धों के लिए हम लोग का दे दीजिए, अगर नहीं देते हैं तो महाबोधि महाविहार में करो या मरो का नारा चलेगा, आत्मदाह भी सब बौद्धिस्ट लोग बैठ के महाबोधि महाविहार गेट को जाम करेंगे, ट्रेन बस और पटना भी हम लोग बंद करने का काम करेंगे, भारत पूरा भारत को भी बंद करेंगे। ये जागृति बौद्धों के अंदर आ गया, SC ST OBC अब हमारे अब हिंदू नहीं रहे, सब बौद्ध बन रहे हैं। 50,000 धम दीक्षा बिहार की धरती बक्सर में, ग्राम पोस्ट कौशल थाना नवानगर जिला बक्सर, मैं भंते विमल कीर्ति 50,000 धम दीक्षा दिलवाने का काम किया करेंगे और 24,000 पिछले साल दिलवाया और आने वाले समय में लाखों करोड़ों धम दीक्षा के कार्य कार्यक्रम, ये बिहार से रुकने वाला नहीं है। जिस तरह बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा का कार्यक्रम 5 लाख लोगों के साथ किया, बिहार में वो अलग जग गया है, ये रुकने वाला नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार जी हमारे मांगों को पूरा कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो ये मत कहिएगा बौद्धिस्ट लोग उग्र होके ये अपना मांग ले रहे हैं, हम शांति से मांग रहे हैं, 1 महीना का सलोहत है, अगर नहीं देते तो हम लोग करो या मरो का नारा देंगे। सबसे पहले नमो बुद्धाय, हम ये कहना चाहेंगे लड़ाई जो है ना विचारधारा की है। हमारे प्रधानमंत्री जो है ना देश से बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि नमो बुद्धाय, बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन आप बताएं कि जब बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध की विचारधारा को जानने वाले लोग अगर बुद्ध मंदिर में नहीं होंगे, बुद्ध स्थल पे नहीं होंगे, तो बुद्ध का विचारधारा कैसे फैलेगा, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तमाम लोग यहाँ पे आए हुए इसलिए आए हुए हैं कि ये बुद्ध का जो विचारधारा है, सबको रहने दीजिए, भाईचारा तभी ना बनेगा, सभी धर्म के लोग रहेंगे।
तो बिल्कुल, लेकिन आप बताएं सर कि मंदिर में पुजारी लोग हैं ना भाई, वहाँ पे जो मानते हैं गीता को मानते हैं, जो कहते हैं ज्ञानी हैं, वो लोग पूजा करवाते हैं ना, कहाँ कोई दिक्कत है। मौलाना जी करवाते हैं हमारे मस्जिद में, कहाँ दिक्कत है। लेकिन जहाँ बुद्धों का हस्तल है, जो बुद्धिस्ट पे अच्छा जानकार रखते हैं, वही ना अच्छा विचारधारा। नया लाइन खींचे ना कि भाई देखिये, भगवान बुद्ध तो दुनिया को उन्होंने ज्ञान दिया, विश्व गुरु है। आपकी विरासत इतनी छोटी मोटी थोड़ी है। सम्राट अशोक की विरासत है, चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत है, 50 से ज्यादा देश बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्ध मतलब ज्ञान का केंद्र। छोटी छोटी बातों को लेकर क्या बुद्ध ने कहा है कि करुणा हो आपके मन में, दया हो। बिल्कुल, जब हम मैं बात कर रहा हूँ सर की समता और विचारधारा की, तो ये जो अभी वर्तमान में जो सरकार है वो तो यही तो नहीं चाहती है, वो तो यही नहीं चाहती कि समता हो, भाईचारा हो। इनकी जो थॉट क्या है ये समझने की जरूरत है, इसलिए इस विचारधारा को नहीं बनने देता। जिस दिन अगर बुद्ध का विचारधारा बढ़ेगा, उस दिन देश में समता आ जाएगा, भाईचारा आ जाएगा, इस देश के लोग खुशहाल होंगे, फिर से देश हमारा सोने का चिड़िया होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बंते जी, वहां कोई दिक्कत तो नहीं है आना जाना, जो धर्म के लोग हैं उनको दिक्कत तो नहीं हो रही? बहुत दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं होता, पूरे भारत से बौद्धिस्ट यहाँ आता क्यों पटना में? इतना दिक्कत है, महाबोधि महाविहार बोधि वृक्ष को काट के अभी देशों में अरबों खरबों रुपए में बेचा जा रहा है, अरबों खरबों पैसा आता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी हमने पटना के गुरुद्वारा में गया, वहाँ खाने पीने इतना VIP व्यवस्था है, अरबों खरबों तिरुपति बालाजी से कई और 100 गुना लख गुना पैसा महाबोधि महाविहार में, तो सब पैसा क्या होता है। हर गांव गांव में बुद्ध विहार बन जाएगा, हर बौद्ध लोग राजा हो जाएंगे। जब बौद्ध लोग राजा हो जाएगा तो पैसे का खेल हो जाएगा, पैसे के काम सही जगह पे खर्च। सही सिस्टम से महाबोधि महाविहार चलना चाहिए, सही बौद्धों को अधिकार मिलना चाहिए। हिंदू अपना अधिकार लेता है, मुसलमान लेता है, सिख ईसाई लेता था, बौद्धों पर अत्याचार के आप बोल रहे हैं, क्यों सबको रहने दीजिए। आप राम मंदिर में बौद्धिस्टों को शामिल कर दीजिए, तिरुपति बालाजी में कर दीजिए, बड़े बड़े मस्जिद है उसमें शामिल कर दीजिए बौद्धिस्टों को, चर्च में गुरुद्वारा में अगर बौद्धिस्ट रहते हैं तो भी हमारे में रहेगा, था हमारे घर में रहिएगा, अपने घर में नहीं रखिएगा। क्या सिख तो नहीं है, क्रिश्चियन तो नहीं आया हुआ है, मुस्लिम तो नहीं है ना, तो ब्राह्मण समाज के लोग है तो मंदिर में ही क्लेम कीजिएगा। जितने 33 करोड़ देवी देवता मंदिर बना हुआ है, उस सब तबूत भी आ रहा है, ब्राह्मणों ने कब्जा किया। तिरुपति बालाजी जाइए, पठानपुर जाइए, साकेत की धरती, राम मंदिर जाइए, उस सब तबूतों की धरती है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तत्व विभाग को लाइए, केवल भारत के नहीं अंतरराष्ट्रीय के लोग रहेगा। आप खुदाई कर रहा हो, वहां से देवी देवताओं से कपड़ा हटाइए, देखिए सब बुद्ध अगर नहीं मिलेंगे तो जो कहिएगा। तो देखो यही मांग नहीं है, जितने पुराना हिंदुओं का मंदिर है वो सब हमारा प्राचीन 84,000 बुद्ध विहार है, 84,000 स्तूप है, 84,000 शिलालेख है, और 84,000 सम्राट अशोक का लाट है, वही शिवलिंग बना दिया। तो बहुत बड़ा लड़ाई है, तो पहला भी मांग हम लोग मांग रहे हैं, दे दीजिए, अगर नहीं देते बहुत बड़ा आंदोलन। देखिए हमारी मांगे, देखिए जब अब मामला बढ़ रहा है, जब BJP की सरकार आई है तो वो तमाम मस्जिदों का सर्वे करवा रहे हैं, अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि मंदिरों का भी सर्वे हो। सच्चाई ये है कि धरती खोदेंगे तो बुद्ध विहार मिलेगा, क्योंकि भारत जो है वो बुद्ध की विरासत है। हाँ। देखिए आपने एक पूछा कि आप लोग दया करुणा दिखाइए, दया करुणा सही में हम लोग अंदर दया करुणा है, तभी आज तक वो एक्ट जो है वो लागू है और उसमें ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर हमारे अंदर दया करुणा नहीं होता तो हमारी इतनी ताकत है, हमारे अंदर रक्त में इतनी गर्मी है कि हम चाहें तो वहाँ पे हाथ धर के खदेड़ के और बाहर निकाल सकते हैं, कोई चे नहीं बोलेगा। हमारे अंदर दया करुणा है तभी हम भीख मांग रहे हैं, और दया करुणा का मतलब ये नहीं होता है कि आपका घर है ठीक और आपके घर में कोई चोर है डाकू जाकर बैठेगा, आपके घर का सामान फेंकेगा, आपके घर का सामान का हनन करेगा, और आप शांति से करुणा दया करते रहिएगा, ये तो तथागत बुद्ध नहीं बोले थे। और जिस तरह से बोध गया का हनन किया जा रहा है, बोध गया को समाप्त करने की साजिश की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय कई देशों को वहाँ पे आप देखेंगे तो बोध विहार है, धर्मशाला है, और कई देशों से वहाँ पे फंडिंग भी आती है, लेकिन लोग जाता है कहाँ है, क्या वहाँ पे व्यवस्था है? जाते होंगे तो आप देखते होंगे खुद, हम लोग जाते हैं, हम लोग पहले जब छोटे छोटे से जाते थे भाई अंतर्राष्ट्रीय है क्यों ऐसा व्यवस्था, जब इसको जाने की यहाँ पे कमेटी में लोग दूसरे हैं तब समझे कि वो सारा खेल तो यहीं से है। क्यों ऐसा आ रहा है बुद्ध के विकास मतलब धम्म के विकास के लिए, और उतना ही नुकसान हो रहा है, उतना ही नुकसान किया जा रहा है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो विचारधारा के विरोधी हैं, शुरू से ही तथागत बुद्ध के विचारधारा को खत्म करने की साजिश रचते हैं, जिस प्रकार से खेला करते हैं। जिनकी आस्था नहीं है वो बागडोर संभाल रहे हैं, लबुलवा भी है। आप क्या कहें सर? देखिए सबसे पहले हम जहाँ खड़े हैं ये तथागत बुद्ध की भूमि है, ये भूमि है महावीर की, यह भूमि है गुरु गोविंद सिंह की।
ये लोग दुनिया में शांति का पैगाम देने का काम किए थे। तथागत बुद्ध का अनुसरण पूरी दुनिया करती है और हम ये बता देना चाहते हैं कि यह बिहार जो शांति की भूमि है, यह क्रांति का भी भूमि है। यही वह भूमि है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए, यही वह भूमि है जहाँ सम्राट अशोक पैदा हुए, यही वह भूमि है जहाँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पैदा हुए। और हम आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग पहले वाले लोग नहीं हैं जो अपने हक हकूक की लड़ाई को नहीं समझते हैं। अब जो है पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे बहुजन समाज के जो लोग हैं, पूरे देश में जो अवेयरनेस आई है, जो जागरूकता आई है, वो अपने हक हकूक के लिए आए दिन सड़क पर उतर रहे हैं। हमारी मांग है कि जैसे सिख धर्म में के लोग जो सिख का गुरुद्वारे में सिख लोग होते हैं, ईसाई धर्म के जो मानने वाले लोग वहाँ पर पास्टर लोग होते हैं, उसी तरह जो बौद्ध धर्म है वहाँ बौद्धों को होना चाहिए, वहाँ बौद्धिष्टों को होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ बौद्धिष्ट न होकर कोई और वहाँ कब्जा किया हुआ है। तो हमारी मांग ये है कि जैसे हर धर्म के लोग उसी धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो बौद्ध को भी उसकी विरासत सौंप दी जाए, यही हमारी मांग है। तो ये युवाओं की भी भागीदारी है और वकील भी हैं। हाँ बताइए। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैं इस सरकार से यही सवाल नेशनल दस्तक के माध्यम से मैं करना चाहूँगा कि क्या वो जो लिखा हुआ है बीटी एक्ट बी से बुद्धिज्म बुद्ध बिहार होना चाहिए, वो टी को जो ला करके मंदिर शब्द करके वो जालसाजी किया गया है, उसके लिए बिहार सरकार दोनों सदन से ये बिल ला करके सिर्फ टी हटाकर बोध बिहार करके संशोधित कर दे और राज्यपाल से अनुमोदन करा ले तो ये मामला स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उनकी नियत साफ नहीं था, जब देखा कि संविधान सामने परोसने जा रहा है, जा रही है 26 जनवरी 50 को, और ये बीटी एक्ट इंटिम सरकार जो थी ये नॉमिनेट वाली, उस इंटिम सरकार में वो ये बीटी एक्ट पास करा के लाया। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 1950 में संविधान लागू हुआ, उसे एक साल पहले क्या जरूरत थी, है क्या कहेंगे? जी सर, जो सर बता रहे हैं 1949 में पंडित नेहरू ने जो कमेटी के एक्ट बनाए हैं उसके तहत कब्जा हुआ है बोधगया में। हम लोग का मांग है कि जो भारत का जो विरासत है ये बौद्ध विरासत है, हमारे बाप दादा का विरासत है, तो इसे कब्जा हटा दिया जाए। और कुछ नहीं करना, कब्जा हटाया नहीं जाएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन। सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा देशों की बात करेंगे तो बुद्धिस्टों का देश है और बड़ा अनुदान आता है धर्म के विकास के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। धर्म का विकास मतलब विज्ञान का विकास, मानवता का विकास, भाईचारे का विकास, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी समानता का विकास, और उसके लिए बहुत लोग अनुदान भी देते हैं। पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध में, भारत से मैं मगध की धरती पर हूँ, इन्हीं इलाकों में भगवान बुद्ध विचरण किया करते थे, सारनाथ चाहे गया हो, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, लुम्बिनी हो, और आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ इनरिचमेंट हो रहा है और जो लोग धर्म से सहमत नहीं है वो पूरा व्यवस्था चला रहे हैं और जिससे धर्म का विकास जो है वो रुक रहा है, यही इनकी मांग है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इनके पास न टीवी है न अखबार, इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।